कैसे हैं, हाय बच्चे होंगे, तो हमेशा की तरह एक वीडियो। और तो गाइज, एक छोटा सा वीडियो है, एक अपडेट वीडियो है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो ये अपडेट वीडियो ऐसा वीडियो है गाइज कि देखिए, मैं जो अपडेट आता है तो लगता है कि क्या अपडेट आया है, क्या अपडेट नहीं आया है। तो मैं उसको एक्सप्लेन के साथ बना देता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे चेक नहीं करना है, सारा कुछ। तो चलिए वीडियो। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या अपडेट आया। बहुत अच्छा अपडेट आया अनलॉक टूल की तरफ से। मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं क्या अपडेट आया, क्या अपडेट नहीं आया। अगर आप सोच रहे हैं अनलॉक टूल लेने के लिए, तो देर मत करिए, जल्दी से अनलॉक टूल ले लीजिए। काफी अपडेट आता रहता है, डेली अपडेट आता रहता है। और मैं एक चीज बताऊं कि आपको ये, मैं अपने सारे वीडियोस आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, तो प्लीज हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेकर आते रहे। तो चलिए चलते हैं सीधा पॉइंट पे। तो पॉइंट पे आने के बाद मैं आपको सीधा बताऊं, देखिए आप सीधा इसको अनलॉक टूल की ऑफिशियल साइट में जाएंगे, सीधा लिखेंगे अनलॉक टूल, तो यहाँ पे सीधा आप आ जाएंगे अनलॉक टूल के साइड में आ जाएंगे, सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, ये कल का अपडेट आया हुआ था, मैंने आज ये अपडेट डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो कल का अपडेट आया हुआ था। बाकी डेली इससे पहले भी देखेंगे तो उसके एक दिन पे 9 तारीख को अपडेट आया हुआ था, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 20 को अपडेट आया हुआ है। तो ये डेली अपडेट देता रहता है, मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, सीधा आपका टूल से ले चलता हूँ और वहां पे बताता हूँ क्या अपडेट आया हुआ है। तो मैं सीधा खोल लेता हूँ अनलॉक टूल गाइस, सीधा मैं यहाँ पे अनलॉक टूल पे आ जाता हूँ, और अनलॉक टूल पे आने के बाद सीधा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपडेट्स, जैसे आप टूल ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी सारे अपडेट्स लिखे रहते हैं यहाँ पे, कैसे क्या अपडेट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है कि यहाँ पे पैच कार्ड का अपडेट डाल दिया इन्होंने, ओप्पो 16 ऐसा वगैरह वगैरह, ओप्पो का मतलब पैच कार्ड इन्होंने डाल दिया हुआ है। जैसे कि आप कोई मॉडल सेलेक्ट करते हैं ओप्पो 16, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने डाला हुआ है सैमसंग के ऊपर डाला हुआ है, सैमसंग एडेड मेथड 4 मेथड FRP का इन्होंने 4 मेथड डाल दिया कि अगर आपका इमरजेंसी मोड काम नहीं कर रहा है तो आप 4 मेथड से इसकी आप FRP रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो सीधा आपको जाना है सैमसंग में, जैसा कि आप जानते हैं सैमसंग के बारे में। उसके बाद देख सकते हैं रिमूव FRP लिखा हुआ है, ये भी पहले से था। और यहाँ पे जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे, पूछ रहा है कि *S0 *S0 आपने किया है कि नहीं किया, तो देख सकते हैं पहले 2 ऑप्शन था, ओल्ड और न्यू। अभी यहाँ पे 2 मेथड और आ चुका है, यहाँ पे नेवर नेवर करके 2 मेथड, नेवरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेथड यहाँ पे आ चुके हैं। तो इन 4 तरीके से आप यहाँ पे इसको FRP रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपडेट है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और नेक्स्ट अपडेट के बारे में चलते हैं। तो देखिए, मीडियाटेक यूनिवर्सल में इन्होंने एडेड फैक्ट्री रिसेट के ऑप्शन में क्विक फॉर्मेट 2 भी ऑप्शन डाल दिया। मतलब आपका कोई मीडियाटेक फोन है और वो फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो उसको कैसे करना है, चलिए मैं वो भी आपको अपडेट बताता हूं। तो चलिए आपको सीधा जाना है मीडियाटेक में, आ जाना है मीडियाटेक यूनिवर्सल जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट डाटा, ये देखिए दिखाई दे रहा है फॉर्मेट डाटा में इन्होंने एडिट किया गया। जैसे फॉर्मेट डाटा आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे मतलब समथिंग समथिंग 2 रिकवरी का ही है, बाकी एक राइट फाइल से फाइल के थ्रू भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब आप इसकी फाइल दे करके भी फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे क्विक फॉर्मेट लिखा हुआ है और यहाँ पे क्विक फॉर्मेट 2 भी ऑप्शन है उन्होंने डाल दिया। तो अगर आपको मीडियाटेक फोन है और फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से जाकर के भी फॉर्मेट कर सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड है, कोई ब्रांड मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, और यहाँ से अभी आप कर सकते हैं। तो ये अपडेट्स आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ और उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको। उसके बाद बात करें, यहाँ पे फ्लैश फाइल में भी इम्प्रूव किया है, मतलब यूनिवर्सल में इन्होंने, मीडियाटेक के यूनिवर्सल में इन्होंने फ्लैश फाइल में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है कि आप यहाँ से भी जो ओएपी फाइल को सपोर्ट नहीं करता था तो वहां पे भी ओएपी फाइल और स्कैटर फाइल को भी इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। देख सकते हो स्कैटर ओएपी, ओप्पो न्यू को भी यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट कर दिया है। और नेक्स्ट अपडेट है कि बूट लोडर पे भी इन्होंने सिक्योरिटी पैच के ऊपर भी यहाँ पे मीडियाटेक में इन्होंने कर दिया है, आप इसका बूट लोडर मीडियाटेक कर सकते हैं। बाकी आप उसको बहुत जैसा आप जानते होंगे कि नहीं जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आईफोन के ऊपर इन्होंने अपडेट दिया। तो ये छोटी सी अपडेट वीडियो थी, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अपडेट तो आते हैं पर उसके बारे में फुल डिटेल मैंने दिया, सोचा एक वीडियो बना दे उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और शेयर सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।